जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय से हमने पिछली बार 7 श्लोक पढ़े थे, जिनमें अर्जुन श्री भगवान से कुछ प्रश्न करते हैं और क्रमशः भगवान उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो क्या प्रश्न थे दोबारा और क्या उत्तर भगवान ने उन्हें दिए। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या आध्यात्म है, क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदेव का क्या मर्म है? इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते? मरते समय कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते? तब श्री भगवान कहते हैं, अक्षर परम वह ब्रह्म है, आध्यात्म जीव स्वभाव ही, जो भूत भावोद्भव करे व्यापार कर्म कहा वही। अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदैव ही, अधियज्ञ मैं सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ, मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान यूं धरता हुआ। अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव को ही प्राप्त हो। इस हेतु मुझको नित निरंतर ही सिमर कर युद्ध भी संशय नहीं मुझ में मिले, मन बुद्धि मुझ में धर सभी। तो अब तो अगला है 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयं। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। तो अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उसको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त होना चाहिए। चेतसा नान्यगामिना यानी चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन, ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परिशिष्ट भाव यही है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। उस प्रश्न का उत्तर देकर अब 8वें 9वें और 10वें श्लोक में अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का और अंत काल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिंत्यरूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। यानी जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला
अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। तो संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ भी कहा गया है। तो परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वह अनादि है, काल से भी अतीत अर्थात काल का भी प्रकाशक है। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उसके शासन में है, वह जीव और जगत दोनों का ही शासक है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। तो धातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्णम कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। तमसह परस्तात् कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञान से, तमसह अंधेरे से, अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है। तो अब अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। यानी वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भक्त्या युक्तः का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है वह भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, प्रत्युत भक्त अर्थात भगवान से एक हो जाता है, अभिन्न हो जाता है। योग बलेन कहने का तात्पर्य है कि पहले किए हुए योगाभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि का बल योग बल कहलाता है, तो इसीलिए प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है योग में। तो अब भगवान आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम करते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यानी वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो इस श्लोक में चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं, जैसे यदक्षरम वेद विदो वदंती,
पदों से गृहस्थाश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। विशंति यद्य तयो वीतरागा, पदों से सन्यास और वानप्रस्थाश्रम का संकेत है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। मुक्ति में, यानी मुक्ति इंसान की सभी वर्णों और आश्रमों से हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से ही किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपना युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगे रहने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया। युद्ध करना उनका वर्ण धर्म था, आश्रम धर्म नहीं। तो अब अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के दो श्लोक में कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्या ध्यायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यानी इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस अक्षर का, ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सर्व द्वाराणि संयम्य, यानी अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांच विषयों से श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना ग्रहण करना गमन करना मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी हाथ चरण उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले, इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनोहृदि निरुद्ध्य च, मन का हृदय में ही निरोध कर ले, मन को विषयों की तरफ न जाने दे, इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके दसवें द्वार यानी ब्रह्मारंध्र में प्राणों को ही रोक ले। आस्थितो योग धारणा, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम प्रणव का मानसिक उच्चारण करे और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का, जिसका वर्णन इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में हुआ है, स्मरण करे। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। तो इस प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात दसवें द्वार से प्राणों को छोड़ता हुआ वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले अद्वैतवादी का वर्णन है। व्यवहारन पद से मानसिक उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। तो आज यही समाप्त करती हूँ, इससे आगे कल, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।